हे गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज और सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड लाइट के लीक्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज के बारे में। तो डिस्प्ले सप्लाई चेन कंसल्टेंट के सीईओ रॉस यंग ने सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 सीरीज में दो फोन्स देखने को मिल सकते हैं, नोट 20 और नोट 20 प्लस। सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में आपको 6.42 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले 19.5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ देखने को मिल सकता है। इसकी स्क्रीन का रिजोल्यूशन 2345:1084 हो सकता है। एक नए अपडेट के मुताबिक सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 में 60 हर्ट्ज की LTPS डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। नोट 20 में 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले क्यों दी जा रही है, इसके पीछे रॉस यंग ने रीजन बताया है कि सैमसंग नोट 20 में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले नहीं दे रहा है ताकि नोट 20 में कॉस्ट कम रखी जा सके। रॉस यंग ने नोट 20 प्लस के डिस्प्ले के बारे में बताया है कि नोट 20 प्लस में 6.87 इंच का क्वाड एचडी प्लस डिस्प्ले 19.3:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ देखने को मिल सकता है, जिसमें स्क्रीन का रिजोल्यूशन 3096:1444 हो सकता है। इसके अलावा नोट 20 प्लस में 120 हर्ट्ज की LTPO डिस्प्ले देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि LTPO डिस्प्ले LTPS डिस्प्ले से बेटर डिस्प्ले है, जिसमें मोबाइल फोन्स में बैटरी का कंजप्शन कम होगा और मोबाइल में आपको अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। मोबाइल फोन के डिस्प्ले में अलग अलग ऐप्स अलग अलग रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करते हैं, तो अगर कोई ऐप 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है तो LTPO डिस्प्ले की हेल्प से जब आप उस ऐप को खोलोगे तो आपका मोबाइल अपने आप 120 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज शिफ्ट होकर काम करेगा और ऐप क्लोज होने पर वापस फोन 120 हर्ट्ज पर शिफ्ट हो जाएगा और जितना कम रिफ्रेश रेट होगा उतनी कम बैटरी कंज्यूम होगी। जबकि LTPS डिस्प्ले में पूरा फोन 120 हर्ट्ज पर काम करता है, जिसमें सारे ऐप्स 120 हर्ट्ज पर काम करते हैं और इससे बैटरी जल्दी कंज्यूम होती है। लेकिन LTPO डिस्प्ले काफी महंगी डिस्प्ले है, इसलिए नोट 20 में LTPO डिस्प्ले का यूज नहीं हुआ है। तो जब दोनों फोन्स लॉन्च होंगे, आप दोनों फोन्स में से कौन सा फोन लेना पसंद करोगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मैक्स वेनबैक ने सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 2 सीरीज के रूमर्स शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि सैमसंग 3 फोल्डेबल फोन्स के ऊपर काम कर रहा है। तो रूमर्स है कि सैमसंग अपनी फोल्ड सीरीज में सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड ई या फिर सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड लाइट $1100 में लॉन्च कर सकता है, जिसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो इसका प्राइस लगभग 83,000 रुपीज के आसपास होता है। इसके अलावा उन्होंने इस फोन के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये फोन 4G होगा और 256GB स्टोरेज के वेरियंट में आएगा। ये फोन ब्लैक और पर्पल कलर में आएगा। फोन में जो बाहर का डिस्प्ले होगा वो छोटा होगा, जैसे सैमसंग गैलेक्सी Z Flip है। प्रोसेसर की बात करें तो रूमर्स है कि ये फोन Exynos का 992 और Snapdragon का 865 प्रोसेसर के साथ आएगा। रॉस यंग ने बताया है कि ये फोन जुलाई में 83,000 रुपीस के प्राइस में लॉन्च होगा और इस फोन की क्वांटिटी 55,000 होगी, यानी कि पूरी दुनिया में सिर्फ 55,000 लोग ही इस फोन को खरीद पाएंगे। तो अगर ये फोन इंडिया में अंडर 90,000 रुपीस में लॉन्च होता है तो क्या आप इस फोन को लेना पसंद करोगे, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आगे ऐसी और भी टेक्नोलॉजी की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।